in spite of quarantine, let's get quarantined. Toned nahin, toned, you know, muscles. तो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, मतलब फिटनेस की क्या इंपॉर्टेंस है. टेल मी, मेरे ख्याल से यार फिटनेस की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि वो स्ट्रेस बस्टर होता है. मतलब आपका जितना भी स्ट्रेस होता है ना, वो सब निकल जाता है, क्योंकि आप वर्कआउट कर रहे हो, यू स्वेट, आप फोकस कर रहे हो एक चीज पर, तो बहुत सारी चीजें होती है, इससे आपका जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस लेवल वो कम हो जाता है. देन कम्स यू फील वेरी फ्रेश, आप बहुत अच्छा फील करते हैं जब आप वर्कआउट करते हैं. ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आप नहीं कर रहे हैं वर्कआउट तो एक बार करके देखिए. आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा कि यू नो वर्कआउट करो और उसके बाद एकदम आदमी फ्रेश हो जाता है, बिकॉज आपकी सेंसेस अवेकन हो जाती हैं, आप एकदम रेडी होते हो अपने पूरे दिन के लिए. सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग. थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वारंटाइन चल रहा है, हम सबके दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हम लोग घर पे बैठे हैं, हम लोग कुछ और काम नहीं कर पा रहे हैं. तो गाइज, इन सब चीजों का एक सॉल्यूशन है, अगर हम अपने दिमाग को एक जगह पर लगा दें जो आपके बेटरमेंट के लिए, आपके अच्छे के लिए, राइट, इट इज फॉर यू, इट इज एग्जैक्टली फॉर यू. अगर आप कुछ कर रहे हो तो दैट इज फॉर यू, है ना. उसके बाद आई थिंक मेंटल जो अलर्टनेस है वो बहुत बढ़ जाती है. हम देख रहे हैं कि हम लोग एक ही जगह बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं और हम बहुत बोर हो जाते हैं, तो आपका माइंड बहुत शार्प होता है, बहुत ज्यादा. और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं तो मैं हमेशा सुबह वर्कआउट कर रहा हूँ आजकल. आई ट्राई टू यू नो डेविएट माई माइंड और कुछ प्रोडक्टिव करता हूँ, कुछ अच्छा करता हूँ अपने लिए, सिर्फ अपने लिए. देन कम्स सबसे बड़ी बात है भाई, बॉडी अच्छी होगी तो, जैसे मैंने बताया था कि कल वो जो लड़कियाँ बताने वाले टिप्स थे, तो बॉडी अच्छी होगी तो भाई लड़की थोड़ा सा इम्प्रेस हो ही जाती है. तो इसके लिए सबसे बड़ी, और इनफैक्ट लड़कियां भी अगर टोन्ड हो और अच्छी फिगर हो तो ऑब्वियसली यू नो यू लुक वेरी प्रेजेंटेबल, आप बहुत अच्छा लगते हैं, मतलब आपको खुद को अच्छा लगेगा कि आप खूबसूरत लग रहे हैं, अच्छा फील करेंगे आप लोग. ओके, सो गाइज, यस, यू सॉ माय स्टोरी निधि, दैट्स नाइस. ओके, आप मुझे ये बताइए कि आप लोग किस तरह का वर्कआउट कर रहे हैं गाइज, मेरे को इंटरेक्शन करनी है आप लोगों से, ताकि आई शुड बी एबल टू हेल्प यू गाइज. Sleeping only, that's very bad, yaar Kavya, very bad. So tell me, aap log kis yoga kar rahe hain aap? That's wonderful. Yoga is a very good option. Yaar, why are you so cute, rockstar? Why are you single? Guys, thoda sa is pe baat kar lete hain. Good diet, Karishma, that's really nice, yaar. Achhi diet, bahut zyada zaruri hai. Main kya diet leta hun, so that usse kuch aapko help ho jaye, aur aap log जो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो सब बूस्ट अप हो जाए. सो गाइस, फ्री वेट वर्कआउट कर सकते हैं हम लोग, हमारे पास वेट्स तो है नहीं, तो जितने भी, इनफैक्ट यूट्यूब इज द बेस्ट ऑप्शन यार. आप यूट्यूब खोलो और यूट्यूब में यू कैन सी सो मेनी वीडियोस, जो होम वीडियोस बन रही हैं आजकल, और लोग घर पे बैठ के वर्कआउट कर रहे हैं, दैट इज रियली नाइस. जुम्बा इज अ वेरी नाइस थिंग, स्पेशली फॉर गर्ल्स. और उसके बाद अगर हम बात करें तो डांस, आई थिंक डांस से अच्छा वर्कआउट कुछ नहीं होता. दीदी, आई होप यू आर लिसनिंग. डांस से अच्छा वर्कआउट कुछ नहीं होता, आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, यू स्वेट अ लॉट, आपकी सारी बॉडी में मूवमेंट होती है, एंड दैट्स रियली नाइस, यू नो, इट्स अ गुड थिंग. अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इतना सारा ज्ञान बांट रहा हूँ और डाइट के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ, तो वर्कआउट करें ये वो, तो मुझे बात बताओ, चीट डे सुना है कभी? यार बहुत अमेजिंग होता है, पता है, चीट डे सबसे ज्यादा अमेजिंग होता है. लेकिन उसका सबसे ज्यादा मजा पता है कब आता है? जब आप एक हफ्ता अपने आप को कंट्रोल करते हो और उसके बाद आप खुल के खाते हो, राइट? मतलब यू कंट्रोल योर सेल्फ फॉर 5 days, 6 days एक्चुअली, मंडे टू सैटरडे. मैं भी ये करता हूँ, मंडे टू सैटरडे बहुत लिमिटेड चीजें खाता हूँ, बट संडे को मैं उफ क्या क्या नहीं खाता, ट्रस्ट मी. और दिल्ली का लड़का हूँ यार, तो भाटिया के भटूरे नहीं खाए तो क्या खाया, मुझे ये बताओ. आई एम श्योर आप लोग सब रिलेट करते होंगे कि संडे को फैमिली वाले होते हैं तो अरे यार भटूरे पकड़ लो, ये कर लो, एंड ऑल दैट. बट गाइज, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, हेल्थ कम्स फर्स्ट, हेल्थ रियली कम्स फर्स्ट. ये सब भटूरे ठीक है, बट ओनली फॉर अ सिंगल डे, एक ही दिन खाना होता है. गुस्सा, व्हाट इज दिस, छोले कुलचे, या काव्या छोले कुलचे, व्हाट इज योर वेट, छोले कुलचे. ओके लिसन, सो संडे को फुल ऑन चीट करो, बट मंडे टू सैटरडे गाइज बी रेजोल्यूट. एक चीज सोच लो कि यार नहीं खाना. चलो, चीट डे की बात हो गई,
कि चीटे भी करना चाहिए बट ओनली ऑन संडे. तो अब मुझे ये बताओ कि आप लोग जो वर्कआउट नहीं करते उसका क्या रीजन? गिव मी वन रीजन कि आप लोग वर्कआउट क्यों नहीं करते हो. लेजी. आप लेजी फील करते हैं, ऐसा कुछ है? देखो अगर ऐसा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपको लिटरली अपने आप पे वर्कआउट, अपने लिए वर्कआउट करना चाहिए एटलीस्ट एक घंटा, यू नो, जस्ट फॉर वन आवर. यू हैव टू गिव योर सेल्फ वन आवर. सब लोग बोलते हैं. तो गाइज आज मैं कुछ आपके साथ एक्सरसाइजेस शेयर करने वाला हूँ, थोड़े से मसल्स कैसे डेवलप करने इस क्वारंटाइन में, मैं आपको ये बताने वाला हूँ. तो आर यू गाइज रेडी? क्योंकि मैं सुबह अपना वर्कआउट कर चुका हूँ, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा वर्कआउट करूँ आप लोगों के साथ, तो आप लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरह से करना है, तो टेल मी, गिव मी अ यस. तो मैं फिर से थोड़ी सी एनर्जी गैदर करके आपको दिखाता हूँ कि मैं कितने टाइप्स के पुशअप्स करता हूँ, मैं किस तरह से पुशअप्स करता हूँ. यस 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 यस. मैं सब लोग मुझे प्रॉमिस करूँ कि मैं जो वर्कआउट कर रहा हूँ उसके बाद आप लोग फॉलो करेंगे इसको. प्रॉमिस मी दिस. यस यस यस. मॉम कैन यू प्लीज पुट ऑन द लाइट? यस प्लीज. बाय द वे लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माय मदर, बिकॉज मैंने आप लोगों, अच्छा ओके, लेटर प्लीज पुट ऑन द लाइट. गाइस पक्का? प्रॉमिस मी मैं वर्कआउट करने जा रहा हूँ. मैं सुबह कर चुका हूँ वर्कआउट, बट मैं स्टिल अब आप लोगों के लिए कर रहा हूँ. यस बताओ. प्रॉमिस. लेट्स गो. Okay, so we are going to do some of the push-ups.